एसडीएम बनते ही पत्नी ने किया अपने पति पर दहेज प्रथा का केस। जिस खबर को सुनकर खेसारी लाल यादव भी भड़क उठे। तो दोस्तों आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी, और दोस्तों आखिर कैसे वो भी खेसारी लाल यादव जी भड़क उठे जिस पत्नी ने किया अपने पति पर दहेज प्रथा का केस। बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि एक जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल खबर जो कि वायरल होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें आपको बता देना चाहते हैं कि एक पति जो कि दिन रात मेहनत कर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाता है, और दोस्तों वह पत्नी का अफेयर जो कि किसी अपने ही बड़े ऑफिसर के साथ चलने लगता है, और दोस्तों वह पत्नी अपने पति से जो कि तलाक मांगती है, और दोस्तों तलाक नहीं देने पर जो कि अपने पति पर दहेज प्रथा का केस कर देती है। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह से वह अपने पति जो कि अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाता है, और दोस्तों वह पत्नी ने इस तरह से धोखा देकर अपने पति पर ही दहेज प्रथा का केस कर दिया है। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब के बीच आपको बता देना चाहते हैं खेसारी लाल यादव जी भी जो कि भड़क उठे, और दोस्तों खेसारी लाल यादव जी का कहना है कि बेटी पढ़ाओ पर बीबी नहीं पढ़ाओ। और दोस्तों इस तरह का सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो कि नारा फैलते हुए नज़र आ रहा है कि बेटी पढ़ाओ पर बीबी नहीं। और दोस्तों कहीं ना कहीं यह जो कि इस तरह का खबर कहीं ना कहीं सारे बीवियों पर से जो कि विश्वास जो कि तोड़ते हुए नज़र आ रहा है। और दोस्तों वह लड़की जो कि एसडीएम बनने के बाद अपने पति को जो कि दर दर का ठोकरों खाने के लिए जो कि सड़कों पर छोड़ दी, और दोस्तों उनके ऊपर जो कि केस भी लाद दी है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से वह महिला को करना चाहिए था या फिर नहीं? लेकिन दोस्तों आपको जो लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।